इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि 12th क्लास का प्रोजेक्ट है, सीएस या आईपी दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता है इसको, वो समझाने वाला हूँ। ये पूरा प्रोजेक्ट, इसकी ये कोडिंग है, ये पूरी कोडिंग आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इसको एज अ प्रोग्राम चाहिए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये पूरी प्रोजेक्ट फाइल चाहिए बनी बनाई, इसके अंदर सिर्फ आपको दो पेज चेंज करने पड़ेंगे, फ्रंट का यहाँ पे नाम लिखा होता है, सेकंड जो सर्टिफिकेट वाला पेज होता है आपको वो चेंज करना पड़ेगा, बाकी पूरी की पूरी फाइल रेडी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ले लेना। अब जो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ वो ये है कि इस कोड को आपको एक्सप्लेन कैसे करना है अपने एक्सटर्नल को। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ बस उसको ध्यान में रखना, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इस कोड को रन करके दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको इससे एक पूरा ओवरव्यू मिल सके कि आपका प्रोजेक्ट असल में कर क्या रहा है और किस बारे में है। उसके बाद एंड में मैं आपको आपके इंडिविजुअल रोल्स भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ये पूछ ले कि भाई तूने क्या करा इस प्रोजेक्ट में, तो आप ये बता पाओ कि जी ये मेरा काम था, ये इसका काम था और ये इसका काम था। ये सारी चीजें मैं आपको एट द एंड वीडियो में बता दूंगा। देखो, द मोमेंट हम इसको रन करते हैं हमारे सामने ये मेन्यू खुल जाता है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, पहला मैनेज स्टूडेंट, मैनेज ग्रेड्स, जनरेट रिपोर्ट्स और एग्जिट। जिसमें एग्जिट का तो आपको पता ही, अगर मैं चार प्रेस करूंगा बाहर आ जाऊंगा, इसको मैं सबसे एंड में प्रेस करूंगा इसलिए, ठीक है। तो पहले मैनेज स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं, वन प्रेस करा एंटर। अब वन प्रेस करते ही इसने और पांच छह ऑप्शन खोल दिए मेरे पास, तो इसे देख के सर पकड़ के होय 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 कहने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक चीज समझा देता हूँ डिटेल में। मेरे को स्टूडेंट ऐड करना है, मैं वन प्रेस कर देता हूँ एंटर। इसने बोला भाई साहब नेम डालो, तो अब स्टूडेंट का नेम डालते हैं हम, थॉर की एज एज 230 और स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली सिंपल। लेट सपोज आपको पूरी लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से स्टूडेंट मैंने ऐड करे हैं, तो आप फिफ्थ ऑप्शन लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स में जाके देख सकते हो। फाइव प्रेस करा एंटर मारा, तो ये आपको पूरी लिस्ट दिखा दी है जिसमें से नेम और एज जो हमने अभी अभी डाले ऊपर। एक चीज में है ये आईडी, ये आईडी हम अपनी तरफ से नहीं डाल रहे हैं, ये कोड के अंदर है। जब भी आप कोई नेम या एज डालोगे उसकी आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। दो ऑप्शन हमने कर लिए, ऐड स्टूडेंट और लिस्ट। व्यू स्टूडेंट डिटेल्स जो फोर्थ नंबर पे है, इसमें क्या होता है, इसमें और फिफ्थ वाले ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, लिस्ट पूरी लिस्ट दिखा देता है, व्यू स्टूडेंट डिटेल्स बस एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। फॉर एग्जांपल फोर प्रेस करके एंटर करा, स्टूडेंट आईडी लेट्स से 16 है स्टूडेंट की आईडी, 16 एंटर। सो इसने मेरे को 16th आईडी वाले की इंफॉर्मेशन दे दी। जिसकी आईडी डालोगे सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको आईडी नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप फिफ्थ नंबर प्रेस करो और सारे स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी और साथ में उनकी आईडी की डिटेलिंग भी आ जाएगी। लेट्स से हमें डिलीट करना है, थ्री प्रेस करा एंटर, स्टूडेंट की आईडी डिलीट करने के लिए लेट्स से 16, मैं 16 प्रेस करता हूँ एंटर एंड डिलीटेड सक्सेसफुली। हमें देखना है क्या वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ, वापस फाइव दबा देते हैं एंटर। पहले इसमें जग्गू था जिसकी आईडी 16 थी, बट अब वो डिलीट हो चुका है। लास्ट ऑप्शन अपडेट करना है, सिंपल, टू प्रेस करेंगे एंटर, एंटर स्टूडेंट आईडी टू अपडेट। अभी अभी हमने थॉर डाला था, हम थॉर को ही अपडेट कर देते हैं, 17 है थॉर की आईडी, एंटर एंटर न्यू नेम। अब चाहो तो आप थॉर का नेम चेंज कर सकते हो, एज या दोनों। लेट्स से थॉर को हमें बनाना है लोकी, एंड लोकी की एज है 210, अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर आपको देखना है प्रेस 5 एंटर एंड देर यू गो लोकी एंड 210। सिक्स ऑप्शन क्या करता है, बैक टू मेन मेन्यू। इसको प्रेस करोगे आप तो वापस जो आपका ओरिजिनल था, मैनेज स्टूडेंट, मैनेज ग्रेड्स और जनरेट रिपोर्ट्स, यहाँ पे ले आएगा। अब हम सेकंड पे आते हैं, मैनेज ग्रेड्स के ऊपर। मैनेज ग्रेड्स क्या कर रहा है, ये ग्रेड्स को मैनेज करेगा, मतलब ग्रेड्स को डाल सकोगे, जैसे आपने मैन स्टूडेंट में स्टूडेंट डाले वैसे ग्रेड्स में ग्रेड डालेंगे। टू एंटर, इसके अंदर बस दो ही ऑप्शन है, असाइन ग्रेड या अपडेट ग्रेड।
थर्ड बैक टू मेन मेन्यू लेके जाएगा। लेट्स से अगेन मैनेज ग्रिड्स, असाइन या अपडेट। पहले असाइन करते हैं, प्रेस वन एंटर। अब एंटर करते ही हमारे पास कोर्स आईडी और कोर्सेज की लिस्ट आ गई है। ठीक है, ये कोर्स आईडी और कोर्सेज का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट है भाई, इस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से ग्रेड डालने। सबसे पहले हम डालेंगे स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी चाहिए, एक बार ऊपर जाके देख लेते हैं। लेट्स से स्टूडेंट आईडी 9 प्रेस करा, एंटर। अब हमें कोर्स आईडी डालनी है। कोर्स आईडी क्यों डालनी है? क्योंकि भाई हमें ग्रेड्स असाइन करने हैं, तो ग्रेड्स अगर हमें असाइन करने हैं तो ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि भाई कौन से सब्जेक्ट में ग्रेड डालने। ऐसे हवा में थोड़े ग्रेड दे देंगे किसी को भी। तो यहाँ पे मेरे पास 7 सब्जेक्ट हैं और इनकी अलग अलग कोर्स आईडी है। तो लेट्स से 201 एंटर। अब ग्रेड 10 में से कितना ग्रेड देना है? डोरेमोन स्मार्ट है तो उसको 8 दे देते हैं। तो ग्रेड्स ऑलरेडी असाइन लिखा रहा है इसमें। इसका मतलब क्या है कि डोरेमोन को 201 में ऑलरेडी ग्रेड्स मिल चुके हैं। स्टूडेंट आईडी 17 वो डालेंगे हम। अब कोर्स आईडी डालते हैं, लोकी से प्रोग्रामिंग कराए थोड़ी, 201 और लोकी को इसमें ग्रेड देते हैं हम 7। तो ग्रेड्स असाइन सक्सेसफुल। इतनी बात समझ में आई? मतलब ये क्या कर रहे हैं, बस स्टूडेंट आईडी ली, कोर्स आईडी ली और ग्रेड असाइन कर दिए, ये उसको असाइन हो गए। अब सेकंड क्या करता है, बस उसको अपडेट कर देता है। फिर से लेट्स से 2 प्रेस करा हमें, स्टूडेंट आईडी में फिर से लोकी की आईडी डाल देते हैं, कोर्स आईडी में 201 और जो नए ग्रेड डालने, पहले 7 डाला था अब 9 डाल देते हैं। बस इतना काम कर रहा है ये। वापस जाते हैं, लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा, जो एक्चुअली सेकंड लास्ट है, जनरेट रिपोर्ट्स। ये क्या करेगा, ये आपको एक ग्राफ बना के देगा। जो मैटप्लोटलिब वाला चैप्टर है ना आपका, उसी के बेसिस पे ये है। आप इसको प्रेस करोगे 3 एंड एंटर प्रेस करोगे तो आपसे ये मांगेगा स्टूडेंट आईडी कि किस कौन से स्टूडेंट का आपको ग्राफ चाहिए। लेट्स से डोरेमोन 9, ओके हमें डोरेमोन का ग्राफ चाहिए। द मोमेंट आई प्रेस 9 एंड एंटर, ये ग्राफ आपके सामने आ जाएगा डोरेमोन का। ये जो जनरेट रिपोर्ट ऑप्शन है, ये कर क्या रहा है, ये आपको एक रिपोर्ट कार्ड की तरह तैयार करके दे रहा है, बट ये ग्राफ की फॉर्म में दे रहा है। यहाँ पे नीचे सारे सब्जेक्ट हैं, पाइथन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DSA, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और यहाँ पे है मार्क्स की रेंज 0 से लेके 10 तक ऊपर। ठीक है, तो इसने एक तरफ तो ग्रेड्स दे दिए, एक तरफ कोर्सेज या सब्जेक्ट दे दिए। यहाँ पे डोरेमोन इसका नाम है और यहाँ पे ग्रेड है। मैटप्लोटलिब से सिंपल बार ग्राफ से हमने इसको प्लॉट करा है। ये टाइटल हो गया, ये एक्स लेबल, ये वाई लेबल ग्रेड्स हो गया इसका। यहाँ पे सब्जेक्ट आ गए और यहाँ पे उसके मार्क्स आ गए। ठीक है, इसको हम वापस क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करते ही फिर से हमारे पास 4 ऑप्शन दे रहा है वो, हम 4 प्रेस करके एग्जिट करेंगे और बाय बाय। ये जो आपका कोड है, ये कोड आपका सिंपल पांडास और मैटप्लोटलिब यूज करके बना है। इसके अंदर बस हमने थोड़ी सी कनेक्टिविटी का यूज करा है। ठीक है, यहाँ तक तो था कि भाई आपके प्रोजेक्ट में है क्या ओवरऑल, कि आपका प्रोजेक्ट कर क्या रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ आपके इंडिविजुअल रोल। मान के चलो ये प्रोजेक्ट बनाया 3 लोगों ने, यश, नंदू और ईशांत। ठीक है, अब देखो आपको इसको समझाना कैसे। आप रन पे गए हो, आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन अपने आप को असाइन कर लेना है कि भाई मैनेज स्टूडेंट्स कर रहा है यश ने, मैनेज ग्रेड्स कर रहा है ईशांत और जनरेट रिपोर्ट्स कर रहा है नंदू। मान के चलो उसने यश से पूछ लिया, भाई तूने क्या काम करा है मेरे को बता। तो यश उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा कि सर हमारा प्रोजेक्ट स्टूडेंट मैनेजमेंट के ऊपर है और मैंने उसके अंदर मैनेज स्टूडेंट्स पे वर्क करा है। ठीक है, मैनेज स्टूडेंट के अंदर मैंने क्या क्या करा है, तो सारे ऑप्शन उसको एक्सप्लेन कर दो। नंदू तूने क्या करा है, तो नंदू बताएगा कि सर मैंने जनरेट रिपोर्ट्स पे काम करा है। जनरेट रिपोर्ट्स क्या करता है सर, ये आपको ग्राफ बना के देता है। इस ऑप्शन को समझा दो कि सर जनरेट रिपोर्ट्स पे जब आप क्लिक करोगे वो आपसे एक स्टूडेंट आईडी मांगेगा। जैसे ही आप स्टूडेंट आईडी को एंटर करोगे, ये उस स्टूडेंट का आपको ग्राफ बना के दे देगा। ग्राफ में क्या होगा सर, एक तरफ सब्जेक्ट होंगे, एक तरफ ग्रेड्स होंगे उसके, और हमने ये मैटप्लोटलिब को यूज करके करा है। ठीक है, इसी तरह अगर पूछेगा कि भाई ईशान तूने क्या करा है, तो ईशान क्या बोलेगा, सर मैंने ग्रेड्स पे काम करा है। जब आप ग्रेड्स के ऑप्शन पे जाते हो तब आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, असाइन ग्रेड और अपडेट ग्रेड। अगर आप 1 प्रेस करते हो तो
आपको स्टूडेंट आईडी एंटर करनी पड़ेगी जिसके आपको ग्रेड्स असाइन करने हैं और उसके ग्रेड्स, ये आपके इंडिविजुअल रोल हो गए। बस कॉन्फिडेंट रहना और एक्सटर्नल को आउटपुट के फॉर्म में समझाना पहले। अब एक्सटर्नल आपसे अगर उल्टे सीधे सवाल पूछे कि लेट्स से कि मैं अपडेट ग्रेड कर रहा हूँ लेकिन मैंने कोई गलत आईडी डाल दी तो क्या होगा, तो कह देना सर, तभी आपसे बोलेगा कि आपने इनवैलिड आईडी डाली है। चाहो तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो कि लेट्स से सेकंड में मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट में उसने कहा स्टूडेंट आईडी मैंने 234 डाला, कोर्स आईडी में मैंने 346 डाला और न्यू ग्रेड 23 असाइन कर दिए, तो उस हिसाब से आप कह रहे हैं इनवैलिड स्टूडेंट और कोर्स आईडी। ठीक है, सारे एरर्स का इस कोड के अंदर ध्यान रखा गया है। तो अगर यूज़र कुछ भी उल्टी सीधी वैल्यू डालता है तो उसको बराबर एक प्रॉम्प्ट शो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं ये पूरी कोडिंग भी तुम्हें समझाऊं तो मेरे को एक बार आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन के थ्रू बता दो मेरे को कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है, कि हमें इंडिविजुअल रोल हमारे कोड के हिसाब से समझा दो, तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बता देना, बाकी ये आपका प्रोजेक्ट रेडी है।